नमस्कार दोस्तों, तो आप सबको स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे डेली लाइफ में जो सबसे उपयोगी चीज़ है, जो कि सब्जियों में खासकर उपयोग होती है और जो भी चीज़ हमारे घरों में बनती है तो उसमें उपयोग ज़रूर होती है, जिसका नाम है धनिया। तो उसकी खेती किस तरह से होती है और उसके पौधे किस तरह से होते हैं। तो धनिया का उपयोग तो हमारी सब्जियों में सुगंध लाने के लिए होता है और मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ कि उसके पौधे किस तरह से होते हैं। तो ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इतने बड़े पेड़ हैं, करीब 3 फुट तक के हैं और ये 4 से 5 फीट तक के पेड़ इनकी ऊंचाई हो जाती है। और इधर जो ये पत्तियाँ हैं, ये है धनिया, जो कि अब ये पेड़ हैं ये बड़े हो चुके हैं और इनके जो छोटे वाले पेड़ होते हैं उनका उपयोग हमारे घरों में सब्जियों के लिए होता है। ये कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से इनमें फूल आते हैं और इसके बाद में इनमें धनिया जो होती है वो लगती है। ये काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कि मेरा ही खेत है उसी में हैं इतने सारे पेड़, यहाँ से यहाँ तक पूरे। तो ये कुछ इस तरह से धनिया के जो पेड़ हैं वो होते हैं और जो इनके जो पेड़ होते हैं जिनका उपयोग हमारे घरों के में होता है सब्जियों में डालने के लिए, वो करीब 1 बित्ता या इस तरह से होते हैं, करीब इतने इतने होते हैं। ये आप लोग नीचे की तरफ देख भी सकते हैं, ये पत्तियां हैं धनिया की जो कि छोटी छोटी हैं, इनको भी हम लोग सब्जियों में डालते हैं। और आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो, जो कि मैंने आपको काफ़ी अच्छी चीज़ के बारे में आज बता दिया है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और धूप अभी काफ़ी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा धूप में मुझको कुछ कैमरे की तरफ दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए मेरी आंखें आपको काफ़ी ज़्यादा बंद की तरह दिख रही होंगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।